दोस्तों शजरे मुमनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें करीम अपने कमरे में चेयर पर बैठा होता है और बहुत गुस्से में होता है। वहीं सायका आती है और कहती है, बेटा तुम अभी तक सोए नहीं हो। करीम कहता है, मैं सारा दिन सोया था, अब मुझे नींद नहीं आ रही। सायका कहती है, हम सब सो रहे हैं बेटा, मैं तुम्हें गुड नाइट कहने आई थी, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना या आयशा को बता देना। करीम कहता है, मैं आयशा की और यिल्दिज़ की शक्ल नहीं देखना चाहता। वहीं यिल्दिज़ अपने कमरे में सो रही होती है और करीम आता है और यिल्दिज़ को मारने की कोशिश करता है। यिल्दिज़ का गला भी दबाता है। यिल्दिज़ जाग जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। वहीं आयशा जाग जाती है। करीम कहता है, तुमने मेरी माँ को मार डाला है। वहीं आयशा करीम को बाहर ले जाती है और सब घर वाले आ जाते हैं। खालिद कहता है, करीम तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आयशा कहती है, करीम यिल्दिज़ को मारने आया था। खालिद यिल्दिज़ से कहता है, तुम ठीक हो? यिल्दिज़ बहुत डर जाती है और कहती है, मैं सो रही थी और करीम आ गया और मुझे मारने लगा। खालिद कहता है, यिल्दिज़ बैठ जाओ तुम और रिलैक्स हो जाओ। यिल्दिज़ कहती है, करीम को शायद ये लगता है कि मैंने आलिया का कत्ल किया है। खालिद कहता है, तुम करीम को बता दो कि मैंने कत्ल नहीं किया। खालिद कसम से, करीम मुझे मार डालेगा, मैं कह रही हूँ। खालिद प्लीज़ कुछ करें। खालिद कहता है, काम डाउन हो जाओ प्लीज़, मैं कल करीम से बात करूँगा। सायका भी यिल्दिज़ से कहती है, तुम ठीक हो अब? यिल्दिज़ उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर खालिद सायका से कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, यहाँ हो क्या रहा है? मैं सोच रहा था करीम ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे तो कोई किरण नज़र नहीं आ रही। सायका कहती है, हम क्या कर सकते हैं, यिल्दिज़ करीम की दुश्मन है। खालिद कहता है, कैसे यिल्दिज़ दुश्मन है? देखें खालिद, करीम किसी पर गुस्सा नहीं करता सिवाय यिल्दिज़ पर, क्योंकि करीम को मालूम है कि यिल्दिज़ ने ही आलिया को मारा है, और आप यिल्दिज़ की साइड ले रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। सायका, मैं यिल्दिज़ का ख्याल नहीं रख रहा, मुझे सिर्फ अपना बेटा अजीज़ है और उसकी सेहत। सायका कहती है, करीम बच्चा नहीं है जो हर किसी पर हाथ उठाएगा, उसे एक चीज़ गलत लग रही है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो है यिल्दिज़। खालिद कहता है, सायका मैं यिल्दिज़ को इस वक्त घर से नहीं निकाल सकता, और अब मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। फिर खालिद अपने रूम में चला जाता है। तो दोस्तों, मज़ीद ड्रामा सीरियल और रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।